नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारे घरेलू वाटर सप्लाई वाले पंप होते हैं, जो सामान्यतः 1 HP से लेकर के 0.5 HP तक की क्षमता में बनाए जाते हैं, उनमें यदि स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, उनका कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, तो इस ख़राब कैपेसिटर की किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं और उसे किस तरह से रिप्लेस करना है, यह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, इस पंप को आप ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर की सहायता से और या फिर टाइमर की सहायता से किस तरह से फुली ऑटोमेटिक बना सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, जहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम मोटर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जब ये स्टार्ट नहीं हो रही तो इसमें कोई एक्टिविटी होती है अथवा नहीं होती है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और देखिए, यहाँ पर जी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मोटर है उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट की आवाज़ नहीं आ रही है, केवल एक हमिंग नॉइज़ आ रही है। तो यह दर्शाता है कि ये मोटर जो है इसमें टॉर्क तो बन रहा है लेकिन ये घूम नहीं पा रही है। ठीक है, तो अब हम इसे किसी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके सॉफ्ट को घुमा करके देखेंगे। इसके शाफ्ट को घुमाते हैं और देखते हैं कि मोटर स्टार्ट होती है अथवा नहीं। तो सबसे पहले आपको इसको स्विच को ऑन करना होगा और स्विच को ऑन करके आप इसके बॉडी को एक बार चेक कर लें, या जहाँ भी जो इसमें जो जहाँ कलर निकला होता है, इसे स्क्रूज वगैरह होते हैं या ये पंप है, यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कहीं ये करेंट तो नहीं इसमें दर्शा रहा है। तो देखिए, हम इसे ऑन करते हैं और ऑन करके सबसे पहले इसे शॉर्ट सर्किट के लिए चेक कर लेते हैं या ओपन के लिए ये देख लेते हैं कि कहीं से इसकी बॉडी जो है वह वाइंडिंग से लीक तो नहीं हो रही। तो इसे हम ऑन करेंगे और टेस्टर से इसकी बॉडी पर करेंट चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप इसे जो है इस तरह से चेक कर सकते हैं और इसमें आप यहाँ ध्यान रखें कि आप इसे ज़्यादा देर तक ऑन ना रहने दें, क्योंकि इससे वाइंडिंग जल सकती है। ठीक है, तो आप इसे शीघ्र करने वाला कार्य इसे जल्दी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब हमने चेक कर लिया कि इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है। तो अब हम इसके शाफ्ट को जो है एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे किसी भी डायरेक्शन में हम इसे मूव करेंगे और फिर देखेंगे कि मोटर स्टार्ट होती है अथवा नहीं। तो आपने देखा कि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है, जब इसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से घुमाया जाता है तो ये ऑन हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस मोटर में जो कैपेसिटर है वह ख़राब हो गया होगा। अब हम इसे कैपेसिटर को फिजिकली भी चेक कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे टेस्टिंग लैंप की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जो कवर होता है, इस कवर को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने इन्हें लूज करके रखा हुआ था। तो ये देखिए, कैपेसिटर यहाँ से अभी आपको जो है इसमें बिल्कुल अच्छा नज़र आ रहा है, इसमें ऊपर से कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही। तो अब हम इसके जो टर्मिनल्स होते हैं जहाँ ये जुड़ा हुआ है कैपेसिटर, वो टर्मिनल्स हम लोग निकालते हैं। ये यहाँ पर देखिए, आप इधर देखेंगे तो ये एक कैपेसिटर का टर्मिनल यहाँ पर जुड़ा हुआ है और दूसरा वाला ये वाइट कलर के वायर से जुड़ा हुआ है, एक ब्लैक कलर के मोटर के वायर से जुड़ा हुआ है, एक वाइट से जुड़ा हुआ है। तो आप इसे ध्यान रखें, अपनी मोटर में भी आप इसे ध्यान रखें। तो ये हम निकाल लेते हैं कैपेसिटर को बाहर यहाँ से। देखिए, यदि कैपेसिटर ख़राब है तो जो नया कैपेसिटर हम लाएंगे उनको इन्हीं टर्मिनल्स पर कनेक्शन करेंगे, तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखें। ये देखिए, ये कैपेसिटर जो है, ये सप्लाई को आप लोग बाहर निकाल लें पहले, सप्लाई को कनेक्शन हटा करके फिर कैपेसिटर को ये इस तरह से निकाल लें।
और ये देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर जो है ये लीक हो चुका है, ठीक है। इसमें चूँकि जहाँ ऊपर नीचे गैप था तो इसीलिए ये कैपेसिटर का जो अंदर का जो मटेरियल है वो निकल करके और नीचे की तरफ सेट हो गया था। तो इस तरह से जनरली ये कैपेसिटर लीक हो जाते हैं। अगर ये लीक नहीं भी हुआ है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए आपको जो भी कैपेसिटर आपका निकलेगा उसे थोड़ी देर के लिए आप सप्लाई में लगा देंगे, सप्लाई को ऑन करेंगे, उसके पश्चात आप जब इसे निकालेंगे तो आप टच करके यदि देखेंगे तो इसमें से आवाज़ आनी चाहिए। अगर आवाज़ नहीं आती है तब भी आप समझ जाएंगे कि कैपेसिटर जो है वह ख़राब हो चुका है। इसमें आवाज़ के साथ स्पार्क भी आता है, तो इस आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वह ख़राब तो नहीं है। जब आपको कैपेसिटर का फॉल्ट पता चल जाता है तो आप उसका रेटिंग देखें कि कितने रेटिंग का कैपेसिटर है। जैसे ये 12.5 माइक्रो फेराडे का कैपेसिटर इसमें यूज़ हो रहा है, तो अब सेम कैपेसिटी का ये जो μF लिखा होता है या UF दिखता है आपको, तो ये कैपेसिटर का मान होता है। ये सेम रेटिंग का कैपेसिटर आप ला करके और जो है अपनी मोटर में लगा देंगे तो मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये मार्केट में नहीं मिल रहा या आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इस कैपेसिटर का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप डायरेक्ट इसे अमेजन से परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक नया कैपेसिटर लेते हैं और नए कैपेसिटर को हम वापस से रिप्लेस करके और अब आपको मोटर को चला करके फिर बताएंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये मैंने एक न्यू कैपेसिटर परचेस किया हुआ है। तो इसमें देखेंगे आप कि इनके साइज़ में थोड़ा सा चेंजेस हैं, साइज़ में डाइमेंशंस अलग हो सकती है, लेकिन इसका जो माइक्रो फेराडे में मान है ना, MFD लिखा होगा या μF लिखा होगा या UF लिखा होगा, ये सेम बातें होती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये जो डायमेंशंस चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल ये वाला मान जो है वह सेम होना चाहिए। तो चलिए इस नए कैपेसिटर को हम लोग लगाते हैं। तो यह बात है दोस्तों, आपको आधे HP के पंप के लिए ध्यान रखना है कि आधे HP के लिए आपको 12.5 MFD का कैपेसिटर लगाना है। तो चलिए अब हम लोग इस नए कैपेसिटर को वाइंडिंग से जोड़ देते हैं। देखिए जो AC कैपेसिटर होते हैं, यानी कि ये पंप के जो कैपेसिटर होते हैं, इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है। आप किसी भी टर्मिनल को वाइंडिंग के जो पुराने टर्मिनल से उनसे जोड़ सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस वाला कोई काम नहीं होता है। तो इसे हम लोग अब लगा देते हैं। इसे अच्छी तरह से आप लोग लगाएं ताकि ये बाद में ओपन ना हो जाए। स्क्रूज को अच्छी तरह से टाइट कर लें। तो ये कैपेसिटर के सारे वायर्स को आप अच्छी तरह से इस बॉक्स में सेट कर देंगे और उसके ऊपर से इस बॉक्स को दोबारा से लगा देते हैं। इसमें आप ध्यान रखें कि जो सप्लाई है, सप्लाई को आप बंद रखें। तो इसे आप चाहे तो एक बार पहले अपनी मोटर को या पंप को स्टार्ट करके भी देख सकते हैं कि मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। इसके लिए आप सबसे पहले इसमें जो सप्लाई के वायर हैं, सप्लाई के वायर लगा देंगे। अब सप्लाई के वायर लगाने के बाद हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, पंप को स्टार्ट करते हैं और आप देखें कि जो पंप है वह सही जो है रोटेट होने लगा है। तो आप इसमें ध्यान रखें कि जो जो वायर्स हैं वाइंडिंग के, जिन वायर में आपका कैपेसिटर पहले लगा हुआ था उन्हीं वायर में आप कैपेसिटर को दोबारा से लगाएंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, वरना मोटर की डायरेक्शन जो है वह बदल सकती है। तो इसीलिए आप जो है किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से बचने के लिए आप
जो है कैपेसिटर को उन्हीं टर्मिनल्स में लगाएं जिसमें मोटर, जिसमें पहले से कैपेसिटर लगे हुए थे। तो चलिए अब इसका जो बॉक्स है वो पूरा लगा देते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैपेसिटर यदि ख़राब है तो उसे किस तरह से पहचानते हैं और उसे किस तरह से रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।